नमस्ते दोस्तों, प्रस्तुत है रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध उपन्यास गोरा का 59वां भाग। गोरा ने माँ के कमरे में जाकर देखा। आनंदमयी फर्श पर बैठी, आंखों पर चश्मा चढ़ाए, एक खाते में न जाने किस चीज की सूची बना रही है। गोरा को देखकर चश्मा उतार कर उन्होंने खाता बंद करते हुए कहा, बैठ। गोरा के बैठ जाने पर आनंदमयी बोली, मुझे तेरे साथ कुछ सलाह करनी है। विनय के ब्याह की खबर तो सुन ही ली होगी ना? गोरा चुप रहा। आनंदमयी बोली, विनय के चचा नाराज हैं, वे लोग कोई नहीं आएंगे। उधर यह विवाह परेश बाबू के घर पर हो सकेगा, इसमें भी संदेह है। सब इंतजाम विनय को ही करना होगा। इसलिए मैं सोचती थी हमारे घर के उत्तर वाले हिस्से में निचली मंजिल तो किराए पर चढ़ी हुई है, लेकिन ऊपर वाले किराएदार चले गए हैं। वहीं दो मंजिले में यदि ब्याह का बंदोबस्त हो जाए तो कैसा रहेगा? गोरा ने पूछा, क्या यह ठीक रहेगा? आनंदमयी बोली, मैं ना होऊंगी तो ब्याह का सारा काम कौन संभालेगा? वह तो बेचारा मुसीबत में पड़ जाएगा। वहां ब्याह की बात हो जाए तो मैं इस घर से ही सारा इंतजाम कर दे सकूंगी, अधिक दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। गोरा ने कहा, वह नहीं हो सकेगा माँ। आनंदमयी ने पूछा, क्यों नहीं हो सकेगा? उनसे तो मैंने पूछ लिया है। गोरा ने कहा, नहीं माँ, यह ब्याह नहीं हो सकेगा, मैं कहता हूं तो मेरी बात मानो। आनंदमयी ने कहा, क्यों? विनय उनके मतानुसार तो ब्याह नहीं कर रहा है। गोरा ने कहा, यह सब बहस की बातें हैं, समाज के सामने यह दलील नहीं चलेगी। विनय की जो इच्छा है करे, हम लोग इस ब्याह को नहीं मान सकते। कलकत्ता शहर में घरों की कोई कमी नहीं है, और उसका अपना घर भी तो है। घर बहुत मिल सकते हैं, यह आनंदमयी भी जानती थी, लेकिन विनय सभी बंधु परिजनों से परित्यक्त होकर अनाथों की तरह किसी किराए के घर में विवाह संस्कार पूरा करे, यही उनके मन को अखर रहा था। इसीलिए उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि उनके मकान का जो हिस्सा किराए के लिए खाली पड़ा हुआ है, वही विनय के विवाह की व्यवस्था कर दी जाए। इसे समाज से तो कोई झगड़ा मोल लिए बिना वह अपने ही घर से शुभ कार्य का अनुष्ठान करके तृप्त हो सकेगी। उन्होंने गोरा की दृढ़ आपत्ति जानकर लंबी सांस लेकर कहा, तुम जब इतने ही विरुद्ध हो तब तो कहीं और ही मकान किराए पर लेना होगा, लेकिन उससे मुझ पर बहुत बोझ पड़ेगा। खैर, जब यह हो ही नहीं सकता तो इस बारे में और सोचकर क्या होगा? गोरा ने कहा, माँ, इस ब्याह में तुम्हारे शामिल होने से कैसे चलेगा? आनंदमयी ने कहा, यह तो क्या कह रहा है गोरा, अपने विनय के ब्याह में मैं शामिल नहीं होंगी तो कौन होगा? गोरा ने कहा, वो किसी तरह नहीं हो सकता माँ। आनंदमयी ने कहा, गोरा, विनय के साथ तेरा मतभेद हो सकता है, लेकिन इसीलिए क्या तू उसका दुश्मन हो जाएगा? कुछ उत्तेजित होकर गोरा ने कहा, माँ, यह कहना तुम्हारी ज्यादति है। आज विनय के ब्याह में मैं जो खुशी खुशी शामिल नहीं हो पा रहा हूं, मेरे लिए कोई सुख की बात नहीं है। विनय को मैं कितना प्यार करता हूं यह और कोई चाहे ना जाने, पर तुम तो जानती हो। लेकिन माँ, यह प्यार की बात नहीं है, इसमें दोस्ती दुश्मनी कुछ नहीं है। विनय जो परिणाम की बात सोच समझकर ही इधर कदम बढ़ाया है, हमने उसे नहीं छोड़ा, उसी ने हमें छोड़ दिया है। इसलिए अब जो विच्छेद हो रहा है, उसे उसको ऐसी कोई चोट नहीं पहुंच सकेगी जिसके लिए वह तैयार ना हो। आनंदमयी ने कहा, गोरा, यह बात तो ठीक है कि विनय यह जानता है कि इस विवाह के मामले में तुम्हारा उसके साथ किसी तरह का सहयोग ना होगा, लेकिन यह भी तो वह निश्चय जानता है कि मैं इस शुभ कार्य में किसी तरह उसका परित्याग नहीं कर सकूंगी। विनय अगर समझता कि उसकी बहू को मैं आशीर्वाद पूर्वक ग्रहण नहीं करूंगी, तो मैं पक्का जानती हूं कि वह प्राण जाने पर भी यह ब्याह ना कर सकता। विनय के मन को क्या मैं नहीं जानती? कहते कहते आनंदमयी के आंखों के कोनों में आंसू पोंछ ली।
विनय की ओर से गोरा के मन में भी जो गहरी पीड़ा थी वह उमड़ आई। फिर भी उसने कहा, माँ तुम समाज में रहती हो और समाज की ऋणी हो, यह बात तुम्हें याद रखनी होगी। आनंदमयी ने कहा, गोरा मैंने तो बार बार तुमसे कहा है कि समाज से मेरा नाता दिनों से टूट गया है, इसीलिए तो समाज मुझसे घृणा करता है और मैं भी उससे दूर रहती हूं। गोरा ने कहा, माँ तुम्हारी इसी बात से मुझे सबसे अधिक तकलीफ होती है। अपनी छलछलाती हुई स्निग्ध दृष्टि से आनंदमयी ने जैसे गोरा का सर्वांग सहलाते हुए कहा, बेटा ईश्वर जानते हैं तुझे इस तकलीफ से बचाना मेरे बस में नहीं है। उठते हुए गोरा ने कहा, तो फिर मुझे क्या करना होगा यह तुम्हें बता दूं। मैं अभी विनय के पास जाता हूं और जाकर उससे कहूंगा कि अपने विवाह के मामले में तुझे उलझाकर समाज से तुम्हें विच्छेद को और बढ़ावा ना दे, क्योंकि यह तो उसकी ओर से सरासर जाति और स्वार्थ परत्ता होगी। हंसकर आनंदमयी ने कहा, अच्छा तू जो कर सके कर ले, उसे जाकर कह दे फिर मैं देख लूंगी। आनंदमयी गोरा के चले जाने पर बहुत देर तक बैठकर सोचती रही, फिर धीरे धीरे उठकर पति के कक्ष में चली गई। आज एकादशी थी, इसीलिए कृष्ण दयाल ने भोजन बनाने का कोई यत्न नहीं किया था। उन्हें घेरंड संहिता का एक नया बंगला अनुवाद मिल गया था, उसी को हाथ में पकड़े एक मृग छाला पर बैठे वह पाठ कर रहे थे। वह आनंदमयी को देखकर असमंजस में पड़ गए। आनंदमयी उनसे काफी दूर रखती हुई कमरे की देहरी पर ही बैठ गई और बोली, देखो बड़ा उदासीन भाव हो रहा है। कृष्ण दयाल सांसारिक न्याय अन्याय से परे जा पहुंचे थे, इसलिए उन्होंने उदासीन भाव से पूछा, कैसा अन्याय? आनंदमयी ने कहा, गोरा को अब और एक दिन भी धोखे में रखना ठीक नहीं है, बात की हद होती जा रही है। जिस दिन से गोरा के प्रायश्चित की बात उठाई थी, उस दिन कृष्णदयाल के मन में भी यही बात आई थी, किंतु फिर योग की तरह तरह की प्रक्रियाओं के कारण उन्हें इस बारे में सोचने का अवकाश ही नहीं मिला। आनंदमयी ने कहा, शशिमुखी के ब्याह की बात हो रही है, शायद इसी फागुन के महीने में होगा। इससे पहले जब भी घर में कोई सामाजिक कर्म हुआ है, किसी न किसी बहाने में गोरा को साथ लेकर दूसरी जगह चली जाती रही हूँ। इस बीच कोई इतना बड़ा काम भी नहीं हुआ, लेकिन अब शशि के विवाह में उसे कहाँ ले जाऊंगी? अन्याय रोज ही बढ़ता जा रहा है। मैं रोज दोनों हाथ दोनों समय भगवान के सामने जोड़कर यही मांगती हूँ कि उन्हें जो सजा देनी हो वह सब मुझको ही दे दें, लेकिन मुझे बड़ा भय लग रहा है, अब और छिपाकर नहीं रखा जा सकेगा। गोरा को कठिनाई होगी, अब मुझे अनुमति दे दो, मैं उसे सारी बात खोलकर कह दूं, फिर मेरे भाग्य में जो होगा होगा। कृष्ण दयाल की तपस्या भंग करने के लिए इंद्रदेव ने यह क्या विघ्न भेज दिया था? इधर उनकी तपस्या भी अति घोर उठी थी, सांस रोकने में वह असंभव को संभव कर रहे थे। उन्होंने भोजन की मात्रा इतनी कम कर दी थी कि पेट को पीठ से मिला देने का उनका हठ पूरा होने में अधिक समय नहीं था। ऐसे समय यह उत्पात हुआ। कृष्ण दयाल बोले, तुम क्या पागल हो गई हो? वह बात आज प्रकट हो जाने पर मैं तो बड़े संकट में पड़ जाऊंगा, क्या सफाई दूंगा? पेंशन तो रुक ही जाएगी, शायद पुलिस भी तंग करे। जो हो गया सो हो गया, अब जितना संभल कर चल सको चलो, ना चल सको तो भी कोई दोष नहीं लगेगा। कृष्ण दयाल ने सोच रखा था कि उनकी मृत्यु के बाद जो हो सो हो, पर तब तक वह स्वतंत्र होकर रहना चाहते थे। फिर उनके अनजाने किसका क्या हो रहा है, इसकी अनदेखी करते रहने से ही किसी प्रकार काम चल जाएगा। क्या करना चाहिए कुछ निश्चय न पाकर आनंदमयी उदास मूड लिए उठ खड़ी हुई। पल भर खड़ी होकर बोली,
तुम्हारा शरीर कैसा हुआ जा रहा है, या नहीं देखते? आनंदमय की इस मूर्खता पर कृष्णदयाल जोर से हंसे और बोले, शरीर? अंत तक इस विषय की चर्चा किसी संतोषजनक परिणाम तक नहीं पहुंची और कृष्णदयाल ने फिर घेरंड संहिता में मन लगाया। उधर बाहर के कमरे में उनके सन्यासी के साथ बैठे महिम उच्च स्वर में परमार्थ तत्व की चर्चा में लगे हुए थे। गृहस्थ को मुक्ति मिल सकती है या नहीं, अत्यंत विनित व्याकुल भाव से यह प्रश्न पूछकर हाथ जोड़कर वह ऐसे एकांत आग्रह और भक्ति से इसका उत्तर सुनने बैठे थे मानो मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया हो। गृहस्थ को मुक्ति मिल सकती है कि नहीं, किंतु स्वर्ग मिल सकता है, सन्यासी यही समझाकर महिम को किसी तरह संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन महिम को तसल्ली ही ना होती थी, उन्हें मुक्ति ही चाहिए था, स्वर्ग से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है। किसी तरह कन्या का विवाह हो लेते ही वह सन्यासी की चरण सेवा करते हुए मुक्ति की साधना में जुट जाएंगे, इस प्रण से उन्हें कोई डिगा नहीं सकेगा। किंतु कन्या का विवाह तो ऐसे आसान मामला नहीं है। हाँ, यदि बाबा की दया हो जाए तो शायद बेरा पार लग जाए। धन्यवाद।